हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो ऑफ टाटा जस्ट। भाई टाटा जस्ट का क्या कहना, बहुत लोग परेशान हैं टाटा जस्ट को लेके कि भाई इसमें सीएनजी लगवाऊं या ना लगाऊं। जहां जाते हैं वहां लोग मना कर देते हैं कि भाई इसके अंदर मत लगाओ, दिक्कत रहेगी। और मैं हमेशा टाटा जस्ट को कहता हूँ कि इसको ज़बरदस्त कामयाब है, क्योंकि टाटा जस्ट के अंदर जो मैं काम करता हूँ, बींग अ रेवोट्रॉन इंजन टर्बो इंजन, इसके अंदर मैं वही काम करता हूँ जो मैं नेक्सॉन में करता हूँ। अब आप ध्यान देना, मेरा कोई भी नेक्सॉन का वीडियो देख लो, आपको ये डायनेमिक एडवांसर दिखेगा, आपको ये बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट दिखेगा, ये स्टील का डिवाइस दिख रहा है, ये आपका गैस जा रहा है वहीं से जहाँ से पेट्रोल, थोड़ा सा आगे। चारों इंजेक्टर्स में आपका ये स्टील का डिवाइस दिख रहा है, ये यहाँ से गैस जा रही है। इसके दो फायदे हैं, एक तो छेद नहीं करना पड़ेगा और एक गैस वहीं से जाएगा जहाँ से पेट्रोल। कपलर टू कपलर वायरिंग कर रहा हूँ चारों इंजेक्टर्स में, यहाँ से देखो ये इंजेक्टर्स में सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है। गैस फिल्टर लगाता हूँ मैं सॉरी, ताकि पहले गैस फिल्टर हो, सारी इंप्योरिटीज निकल कर फिर गैस में जाए, फिर इंजन में जाए। सारा काम वही करता हूँ जो मैं नेक्सॉन में करता हूँ, और तभी मैं इसको कामयाब कर पाया हूँ मैं। अब वायरिंग देखो, सारा आपके ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये वायरिंग जा रहा है, सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में प्रॉपर सुपर। दिस इज द फिलिंग बाल, यहाँ से गैस फिल होगी एंड दिस इज द रिड्यूसर, पीछे से जो भी गैस आएगा हाई प्रेशर में आएगा, यहाँ रिड्यूस होके जो इसको ECM से कमांड मिलेगा उसी हिसाब से ये रिलीज होगा। अगर मैं केवल डब्बा और सिलेंडर लगाऊं तो भाई ये टाटा जस्ट नहीं होता कामयाब। मैं हमेशा कहता हूं मैं केवल डब्बा सिलेंडर नहीं लगाता हूं, मैं गाड़ी के हिसाब से जिस गाड़ी में जो लगना चाहिए वो काम करके देता हूं मैं। आइए मैं बूट स्पेस दिखाता हूं मैं। दिस इज़ टाटा जस्ट एंड जस्ट सी द बूट स्पेस। जो मेरा सिलेंडर का क्वालिटी है, आप ये जो स्टैंड का क्वालिटी है आप ये देखो, यहाँ पे मैं ब्रॉडर शीट देता हूँ और मोल्डेड पाइप स्टैंड है, TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट है और रबर ग्रिप के साथ जैसे कंपनी फिटेड में आता है। डक्टिंग किया हूँ, कभी एक्सेस गैस आए तो यहाँ से गैस लीक होता है, कभी कभार होता है तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। दिस इज़ टाटा जस्ट अल्टीमेट। लोग कहते हैं भाई कामयाब नहीं है, मैं कहता हूँ इट विल रन एज सेम एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। एक बार भैया से पूछते हैं, आप बहुत परेशान थे, एक बार इधर आ जाओ, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत परेशान थे कि भाई लगवाऊं ना लगवाऊं, बड़ा आप मतलब परेशान थे, कैसा रहा मतलब अभी जो? बहुत अच्छा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल पे चल रही हो। और मैंने बहुत जगह पता किया था, पानीपत भी पता किया, गन्नौर भी पता किया और समालखा भी पता किया, सभी ने इसमें लगाने से मना कर दिया था, ये बोल रहे थे टाटा जस्ट में कामयाब नहीं है। तो फिर मैंने भैया की वीडियो देखी YouTube से और यहाँ मैं आया तो भैया ने बिल्कुल जो बात बताई, ऐसे ही चलेगी जैसे पेट्रोल पर चलती है, बिल्कुल ऐसे ही चल रही है और कंपनी जैसी फिटिंग है, कोई कट वट वायर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया काम है। चलो थैंक यू सर, मज़ा आएगा। दो तीन चीज़ मैंने आपको बोला है ध्यान रखने के लिए, जब भी गाड़ी सर्विस कराओ थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ कराओ, स्पार्क प्लग 8000 किलोमीटर में साफ, 15000-16000 में चेंज, एयर फिल्टर हमेशा जेन्युइन डालो, बाकी मैं बैठा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सुपर।